कल किया था पार्टी ज्वाइन, आज मिल सकता है टिकट। जी हाँ, आपको बता दे कि अब से कुछ ही दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर सारी पार्टियां दमखम लगाकर इस चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। वहीं पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारने में इस वक्त व्यस्त हैं। इसी बीच हरियाणा के दो रेसलर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, जो भारतीय रेसलिंग के काफी बड़े नाम है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में कल मीडिया के सामने शामिल हुए, जिसके बाद बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भाजपा पर भी हमला किया था। उन्होंने कहा था कि बुरे वक्त में हमें पता चलता है कि कौन अपना है। कांग्रेस हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा था, इसलिए मुझे खुशी है कि हम कांग्रेस में शामिल हुए और देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है, या यूं कहें कि विनेश फोगाट को टिकट मिलना लगभग तय हो गया है। वहीं बजरंग पुनिया कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे, वो चुनावी मैदान में अभी नहीं उतर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि विनेश फोगाट का विधानसभा चुनाव लड़ना भाजपा को कितना घायल कर सकता है, ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ लॉकर। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बरडियार की रिपोर्ट।